लेंगे। यहाँ पे उपस्थित जो वर्चुअल माध्यम में वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़ने की एक परिसर है गांधीनगर जम्मू में, उसका फिजिकली वहां जाके दौरा किया। जिसको हम बोलते हैं हेल्थ टूरिज्म, मतलब स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए। बहुत जबरदस्त, जम्मू पूरे जम्मू पर बैठ के उस पार एम्स की बिल्डिंग है जो देख पा रहा हूँ इस पार करेंगे। और मैं ये मेरा ये जो सीआरसी सेंटर है ये दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार और भाई भतीजे, यार दोस्तों के लिए भी खुशी की बात है कि उनके जो दिव्यांगजन भाई हैं हमारे, उनका उत्थान होगा। इसकी लागत जो है वो 40 करोड़ के करीब पहले जो है वो आएगी, वो पैसा सैंक्शन हो चुका है। मैं वीरेंद्र कुमार जी, जो केंद्रीय मंत्री और उपराज्यपाल जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जैसे कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी ने यहाँ पर बताया भी कि हमारी भी कई बार मुलाकात हुई, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में पहले सीआरसी नहीं था, तो ये हमारी जो मांग थी, पुरजोर मांग थी जम्मू कश्मीर के दिव्यांगजनों की, उनके माता पिता की, भाई बहनों की, और बतौर सांसद हमारी जो मांग थी कि भाई सीआरसी जम्मू में आए, वो जम्मू में सैंक्शन हुआ और जम्मू कश्मीर में सैंक्शन हुआ, और जम्मू कश्मीर में भी फिर सांबा में उसके लिए जगह चिन्हित के लिए की गई। ये मेरे लिए और भी बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और लगातार कार्यक्रमों में जुड़ा हुआ हूँ। मैं शारीरिक रूप से भले ही दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मन मेरा वहां पर है, और सांबा मेरा पहले भी आना हुआ है। लगभग 2 साल पहले सांबा में आया था, और आखिरी गांव में भी मैं वहां पर गया था। वहां कबड्डी का खेल हो रहा था, और अपने सेना का जो केंद्र था, उस केंद्र में सभी के साथ में जाकर अंतिम लाइन को देखने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी कि कार्यक्रम के प्रारंभ में जब शिलान्यास हुआ, सीआरसी का शिलान्यास किया गया, आप सभी ने बिल्कुल बेगम तरीके से मंत्रोच्चार के साथ में और वो पूजन का कार्यक्रम किया। ये देखकर बहुत ही सुखद अनुभव लगा कि आप सबने जो है ना अपनी परंपराओं को पूरी तरह से और निभाते हुए उस कार्यक्रम को गरिमामय बनाया। इसके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। हमारे माननीय सांसद महोदय जी को, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो लगातार लगे रहते थे पिछले कई सालों से के जम्मू कश्मीर में, बोले भाई साहब जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में, राज्य में वो सीआरसी नहीं है, और देश के पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर की स्थितियां धारा 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर के जो दिव्यांगजन है, उन दिव्यांगजनों के लिए और ये सुविधा मिलना चाहिए। बहुत सारे बेचारे ऐसे दिव्यांगजन जो गरीब परिवार से होते हैं, वो दिल्ली जाए, पंजाब जाए, वहां तक जाने आने में उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वहां जा सके, और अगर जम्मू कश्मीर में सीआरसी हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। माननीय उपराज्यपाल महोदय जी भी दिव्यांगजनों के प्रति बहुत ज्यादा वो संबंधित सज रहते हैं,